तो हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज देखिए हम लोग इस वाले फोटो का हेयर ट्रांसफर दिया कुछ बहुत मतलब बहुत ही बेहतरीन भयानक तरीके से करने वाले हैं, प्लस फेस वाइट करने वाले हैं और ऑयल पेंट भी करने वाले हैं। इस वाले फोटो को देखिए हम लोग कितने खतरनाक तरीके से हेयर एडिटिंग किए हैं, देख रहे हैं इस वाले फोटो में। इस वाले फोटो को देखिए हेयर कितने खतरनाक तरीके से एडिट हुए, तो सारा चीज़ ऐसे ही बताऊँगा आप लोगों को, कोई भी फेक नहीं बता। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से फैमिली मेम्बर बन जाइए और वन के फैमिली मेम्बर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट किए, ताकि मैं अपने मतलब इच्छा अनुसार आपको सारा कुछ बता सकूँ, ठीक ना। देखिए कितने खतरनाक तरीके से हेयर एडिटिंग हुआ है, एकदम बिल्कुल बवाल तरीके से। ऐसे ही भी आपको भी बताऊंगा मैं कैसे कैसे करता हूँ, तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मैं कितने खतरनाक तरीके से हेयर एडिटिंग किया हूँ, प्लस में कट और देखिए कितने खतरनाक तरीके से लगाया, सारा चीज़ बताऊँगा। देखिए यहाँ पर इस वाले फोटो को हम लोग इस तरह से ट्रांसफर करने वाले हैं, एक ट्रांसपेरेंट करेंगे, ठीक। इस वाले फोटो को सबसे पहले हम ले चलेंगे स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर, सारा चीज़ बताऊँगा आप लोग को। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रखें, देखिए यूट्यूब पर नया है हेयर एडिटिंग, ठीक ना। तो थोड़ा सा सपोर्ट देखें, दबा कर सपोर्ट देखें, आप लोग पूरा सपोर्ट देखें, मैं भी आप लोगों को पूरा सपोर्ट देखूँगा एडिटिंग में। तो स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर लेके चलते हैं बिना किसी देरी के इस वाले फोटो को। हम देखिए स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर आ जाने पर देखिए आप लोग को ये वाला इफेक्ट को लगा लेना है। इस वाले इफेक्ट को लगाना है, ये पहला चीज। इसमें यहाँ से सिर्फ हम लोग को दो चीज़ करना है, यहाँ से हम लोग को सिर्फ दो चीज़ करना है, दो चीज़। ये पहला चीज़ ही हो रहा है, पहला चीज़ है कि यहाँ से हम लोग वाला इफेक्ट को लगा लेना है। हम लोग पहला चीज़ कर लेते हैं, इस वाले इफेक्ट को लगा लेते हैं, लग गए इफेक्ट, यहाँ से फोटो को डन करते हैं। डन हो जाने हम लोग फूल सोला ऑप्शन पाना। अब हम लोग यहाँ से क्या का चीज़ करना है, यहाँ से हम लोग को अब दूसरा सेटअप करना है। दूसरा सेटअप क्या होता है, दूसरा सेटअप हम लोग इस वाले ब्रश को लेंगे, इस वाले ब्रश का देखिए, इस वाले ब्रश को ले लेंगे। देखिए इस वाले ब्रश को लेकर यहाँ से सेचुरेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक। इस वाले ब्रश सेचुरेशन का हम लोग ब्रश लेंगे और फेस पर चलाएंगे इस वाले ब्रश को, ठीक। सब चीज़ वही रहेगा, ठीक। सिर्फ फेस पर आप लोग को ब्रश को इस वाले ब्रश को लेकर सिर्फ अपने फेस पर चला लेना है कुछ इस टाइप से। देखिए जिस टाइप से मैं चला रहा हूँ, आप लोग उस टाइप से अपने फेस पर चला लीजिए। यहाँ से फोटो को डन करेंगे और चलेंगे यहाँ से लाइटरूम वाला एप्लीकेशन के अंदर बिना किसी देरी के। आप लोग बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से फैमिली मेम्बर बन जाएंगे, दबा कर सपोर्ट दिखाइए। मैं भी आप लोग पूरा सपोर्ट करूँगा एडिटिंग में, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, मैं भी सपोर्ट करूँगा और तबाही एडिटिंग करेंगे, ठीक। तो चलते हैं बिना किसी देरी के लाइटरूम वाला एप्लीकेशन के अंदर। अब देखिए लाइटरूम वाला एप्लीकेशन अंदर आना है, तो हम लोग यहाँ से अप आया करना है लाइटरूम वाला एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ देखिए फेस में लाइट और एडजस्टमेंट यहाँ से करेंगे लाइट वाले ऑप्शन से, और फेस में कलर और एडजस्टमेंट करेंगे कलर वाले ऑप्शन से। सिंपल है, अभी आप लोग को बताऊँगा कि कैसे कैसे एडजस्ट करना है, तो वही चीज़ देखिए सीखना है। चलते सच वाले लाइट को एडजस्ट करना है, ठीक। तो कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर लेना है, हाईलाइट को टोटल माइनस करना है, ठीक। शैडो को इंक्रीज करना है, ज़्यादा नहीं बस 50 के रेंज में रखना है। फिर व्हाइट को टोटल कम कर देना है, ब्लैक को हल्का सा नहीं बस 30 के रेंज में रखना। फिर कलर वाला ऑप्शन पर आना है, मिक्स वाले ऑप्शन पर आना है। हम लोग का फेस देखिए टमाटर जैसा लाल है, तो कहाँ कहाँ से कलर को एडजस्ट करेंगे। देखिए आप लोगों को कितनी बार बताऊँ, सेचुरेशन को माइनस और लुमिनस को इंक्रीज करने से फेस वाइट हो जाता है, मतलब वाइट कलर उत्पन्न होता है वो चीज़ करने से। आज हम लोग को देखिए फेस रेड कलर हो रहा है, हल्का सा बस ये कलर हो रहा है, बाकी इधर तीनों कलर से हम लोग आज अपना फेस को गोरा करेंगे, बाकी इधर सारे कलर से हम लोग अपने फेस को गोरा करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और चैनल लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। अभी हेयर एडिटिंग पर पूरा का पूरा वीडियो आने वाला है, हेयर एडिटिंग का टोटल वीडियो आने वाला पूरा। तो हो गया, अब आते हैं देखिए यहाँ से रेड वाला कलर सेचुरेशन कम करते हैं। देखिए बिफोर आफ्टर, ठीक है। सेचुरेशन को कम कर दिया, तो देखिए 70 के रेंज में रखना है। लुमिनेंस को इंक्रीज किया, देखिए 25 के रेंज, अभी 25 के रेंज में रखना है। अब देखिए हम लोग के फेस से कौन सा कलर मैच कर रहा है, ये दो कलर मैच कर रहा है। हम लोग चलेंगे अच्छे से एडजस्ट करना, तो सबसे पहले पिंक वाला कलर पाएंगे। देखिए इसका सेचुरेशन कम कर रहे हैं, देखिए सारा चीज़ बताऊंगा, सारा चीज़ सीखिएगा आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब किए तो बेकार नहीं जाएगा, वो सफल होकर जाएगा, ठीक ना। देखिए सेचुरेशन को कम कर, लुमिनेंस को देखिए इंक्रीज कर रहा है, फेस गोरा हो रहा है ना, इससे भी और चीज़ सीखिएगा आप लोग, ठीक। अब देखिए कौन सा कलर मैच कर रहा है, अब देखिए हम लोग का फोटो से ये वाला कलर मैच कर रहा है, एक ये वाला कलर मैच कर रहा है, एक ये कलर मैच कर रहा है, ठीक। देखिए यहाँ से फेस गोरा, बिफोर आफ्टर देखिए फेस गोरा हुआ ना, आप लोग का भी ऐसे ही गोरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इतना हो जाने के बाद जैसे हम लोग फोटो को डन करेंगे, डन करने के बाद इफेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लैरिटी को इंक्रीज करेंगे, डिटेल्स को साइफनेस को फुल, साइफनेस को ज़्यादा नहीं मतलब 30 के रेंज में रखना है, डिटेल्स को फुल करेंगे यहाँ से इस टाइप से, ठीक। और यहाँ से फोटो को हम लोग सेव करेंगे और सेव करके चलेंगे ऑटोडेस्क स्केच एप्लीकेशन के अंदर बिना किसी देरी के। तो ऑटोडेस्क स्केच एप्लीकेशन के अंदर देखिए हम लोग जल्दी से चलते हैं। हम देखिए हम लोग ऑटोडेस्क स्केच एप्लीकेशन अंदर आ चुके, तो हम लोग देखिए यहाँ से करना है क्या चीज़, हम लोग से टी शर्ट का कलर चेंज करना है,
फेस को वाइट करना है, लिप्स कलर करना है, ठीक। अब फेस को स्मूथ करना है एकदम खतरनाक तरीके से, तो सारा चीज़ बताने वाला। प्लस में हेयर एडिटिंग भी करने वाले हैं, हेयर एडिटिंग बहुत मैटर करता है, अभी कोई नहीं बताया जा रहा, ठीक है। तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, सारा चीज़ आपको बताया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फेस को स्मूथ करना, देखिए आप लोग इस वाले ब्रश को लेना है, सबसे पहले इस वाले ब्रश को ले लेना है, इस वाले ब्रश को लेना है। देखिए इस वाले ब्रश का सेटिंग देख ले कुछ इस टाइप से, इसका स्क्रीन शॉट आप लोग ले लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए। देखिए इसका स्क्रीन स्मार्ट फ्लैट ब्रश 3 है, इसका सेटिंग कुछ इस टाइप से रहेगा। हम लोग यहाँ से इसका फेस को अपने फेस को स्मूथ करना है, देखिए तो हम लोग जल्दी अपने फेस को स्मूथ कर लेते हैं कुछ इस टाइप से, बिना किसी देरी के। आप लोग भी बिना किसी देरी के जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके 1K फैमिली आप लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए आप लोग कितने मेहनत करके हेयर एडिटिंग का टोटल वीडियो आने वाला है, और आप लोग कितने अच्छे तरीके से आप लोग भी हेयर एडिटिंग करना सीख जाएगा बिल्कुल। आप लोग इस स्क्रीन पर देख लीजिए फोटो, अभी के हिसाब से मैं उस इस वाले फोटो का हेयर एडिटिंग किया हूँ, देख लीजिए, देखिए कितने खतरनाक तरीके से है ना। वही चीज़ सारा चीज़ आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक ना। तो जल्दी से फैमिली मेंबर बन जाइए, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है मिस्टर फोटो 752, वहाँ पर जाकर इस वाले फोटो को आप लोग देख सकते हैं कितना खतरनाक तरीके से हुआ रहेगा ये वाला फोटो, ठीक। तो आप लोग को भी उसी तरह से बताऊँगा, बिल्कुल फेक होकर नहीं बताऊँगा। आप लोग बस फोन के फैमिली जल्दी से कंप्लीट कीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए आप लोगों को हेयर एडिटिंग आता है कि नहीं आता है, आप चैनल को सब्सक्राइब आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, ठीक ना। सारा चीज़ आप लोगों को बताऊंगा मैं फेस एडिटिंग। अभी स्मूथ हो जाने के बाद देखिए लेयर पर आना है, प्लस वाला टैप करके नया लेयर लेंगे, कलर वाला ऑप्शन पर आना है। देखिए यहाँ से येलो कलर लेना है, येलो कलर लेने के बाद आप लोगों को देखिए हाँ इस वाले ब्रश को लेना है। जब येलो कलर लीजिएगा तो आप लोग को इस वाले ब्रश को ले लेना है, इस वाले ब्रश आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। इस वाले ब्रश को लेना है, इस वाले ब्रश को लेकर आपने देखिए सिर्फ फेस पर चलाना है कुछ इस टाइप से। हम लोग इतना हो जाए फिर जो लेयर लिए थे उसी लेयर पर टैप करना है नॉर्मल, उसका ब्लाइंडिंग मोड पाएंगे फिर सॉफ्ट कर देंगे। देखिए यही रहना, फिर आप लोग को देखिए यहाँ पर HCL एडजस्टमेंट पर आना है, यहाँ पर देखिए HCL एडजस्टमेंट है, इस पर आ जाना। फिर यहाँ से देखिए आप लोगों को कितने अच्छे से बता रहा हूँ, यहाँ पर आ जाने के बाद देखिए इस पर टाइप करना, फिर यहाँ देखिए व्हाइट वाला पर आ जाना, तो देखिए व्हाइट हो रहा है ना, ऐसे भी और बताएंगे, देखिए व्हाइट हो रहा है ना, देखिए इसी टाइप से भी और सारा चीज़ बताने वाला हूँ आप लोगों को। बस इसका ह्यू को छोड़ देना, बस यहाँ से हम लोग फेस को यहाँ से वाइट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से फोटो को डन करेंगे और बाकी पार्ट जो है जो बाहर आ गया है यहाँ से इरेज वाला ऑप्शन पाके यहाँ से इरेज कर देंगे कुछ इस टाइप से। ऐसे ही सारा चीज़ सीखिएगा आप लोग। यहाँ से हो गया, फिर से लेयर पाएंगे, फिर से एक नया लेयर लेंगे टाइप करेंगे, यहाँ से पिंक वाले ऑप्शन पाना है। देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पिंक वाले ऑप्शन पाना, यहाँ से हम लोग अपना जो कलर आप लोगों के लिप्स पर अच्छा लगे, ठीक ना, वो कलर आप लोग अपने लिप्स पर लगा लीजिएगा। यहाँ से हम लोग अपने लिप्स का कलर कर लेते हैं जल्दी से बिना किसी देरी। देखिए इसका भी जो लेयर लिए थे उस लेयर पर टैप करेंगे, इसका नॉर्मल सॉफ्ट लाइट कर देना है, इसका भी ओपेसिटी हम लोग यहाँ से कम कर देंगे, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, ठीक, इस टाइप से यहाँ से फोटो को डन कर लेंगे। देखिए इतना यहाँ से हो जाने बाद अब क्या चीज़ करना है, हम लोग फिर से एक नया लेयर लेंगे और टी शर्ट का कलर हम लोग देखिए ग्रीन करेंगे। यहाँ से देखिए टी शर्ट का कलर हम लोग ग्रीन कर लेंगे, ग्रीन करके यहाँ पे इसे चलाएंगे, ब्रश को थोड़ा सा बड़ा करके हम लोग यहाँ से टी शर्ट का कलर चेंज करेंगे, ठीक है, इस टाइप से। देखिए थोड़ा सा छोटा करके चला लेंगे इस टाइप से, देखिए इस टाइप से चला लेना, ठीक। अब यहाँ से इतना हो जाने बाद देखिए अब कैसे करना, फिर से उसी वाला लेयर पाएंगे जो लेयर लिया था उसी लेयर टाइप करना है, इसका ब्लाइंडिंग सॉफ्ट लाइट कर लेना है। यहाँ से देखिए इसका भी कलर एडजस्टमेंट करना, ठीक, देखिए यहाँ से कलर डार्क करना, देखिए इस टाइप से डार्क कर देना, यहाँ से फोटो को डार्क करना, कलर चेंज हो गया ना। अब देखिए क्या चाहिए हम लोग यहाँ से, देखिए हेयर एडिटिंग करना, ठीक। तो सबसे पहले नीचे वाला लेयर पर आ जाना है, इस वाले लेयर पर आ जाएंगे आप लोग, यहाँ पर देखिए इस वाले लेयर पर आ जाइएगा, इस वाले लेयर पर आ जाने के बाद देखिए यहाँ से क्या चाहिए करना, अब आप लोग ये वाला ब्रश लेना है, इस वाले ब्रश को ले लेना है आप लोग को, देखिए इस वाले ब्रश को लेना है, इस वाले ब्रश आप लोग को मिल ही जाएगा आप लोग के पास, ये वाला ब्रश है, देखिए ये वाला ब्रश, देखिए इसका सेटिंग दिखा देते हैं आप लोग को, इसका सेटिंग देखिए कुछ इस हिसाब से रहेगा, साइज़ को अपने हिसाब से रख लीजिए। और यहाँ पर देखिए चलाना है इस टाइप से, देखिए एकदम एक एक चीज़ बताएँ किस कितने में ब्रश चलाना, देखिए इस टाइप से चलाना है, देखिए फोटो में रियलिस्टिक लुक आने लगाना, ऐसे ही सारा चीज़ सीखिएगा आप लोग, कह रहा हूँ ना। देखिए इस टाइप से चलाना है ब्रश को, थोड़ा सा यहाँ बैक कर लेते हैं, ऐसे ऐसे आप लोग को ब्रश को चलाना है, देखिए थोड़ा सा साइज़ यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं, देखिए सारा चीज़ बता रहा है एडिटिंग को, ठीक ना। ऐसे भी और बताने वाला हूँ आप लोगों को, देखिए इस टाइप से चला लेना ब्रश को, ठीक।
अब यहाँ पर देखिए फेसबुक कैसे चलाना। अब हम लोग देखिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए झिंझे वाला चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा सपोर्ट देखिए। मैं भी आप लोगों को पूरा सपोर्ट दिखाने वाले हेयर एडिटिंग में। आप लोग जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी हेयर एडिटिंग का पूरा ट्यूटोरियल आने वाला है। टेक्सचर कैसे लगाना है, लाइनिंग कैसे बनाना है, सारी चीज़ बताऊँगा। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को दबा कर सपोर्ट देखें। मैं भी आप लोगों को अभी पूरा सपोर्ट दिखाऊंगा, आप लोग पूरा सपोर्ट देखें, मैं भी पूरा सपोर्ट देखें। और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए।